नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग एंशियंट प्राचीन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, गुप्त काल। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त और मौर्य और धार्मिक आंदोलन, ये सब बहुत चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गुप्त काल है, पूरे गुप्त काल में 95 क्वेश्चन हैं और 95 क्वेश्चन को हम लोग सारे के सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन कर मेरे ही चैनल से, जहाँ आपको मिले, जिस चैनल से मिले या जिस बुक से मिले आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्योंकि समय अब बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। आपके 20 से 25 दिन बचे हैं, अब उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब चीज़ों को कंफर्म करना है। ठीक है, और संभवतः मैं कल सुबह से आप लोगों को पॉलिटी का भी स्टार्ट कर दूंगा टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को देखना है। और दोस्तों जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपके पास बहुत सारी बुकें पड़ी होंगी, लेकिन आदमी उनको देखता कितना है, आप लोग खुद ईमानदारी से बताइए मुझे। खुद आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, आप खुद जानते होंगे कि कितनी बुकों को हम लोग लाते हैं, लाने के बाद वो रखी रहती हैं। PDF हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसको दोबारा देखने तक का समय नहीं मिलता। कहने का मेरा मतलब यही है, कम से कम वीडियो के माध्यम से ही आप लोग एक बार रिवीजन दे लेते हैं, एक बार चीज़ों को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपने आप को आंकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, आप मेरा ही चैनल नहीं, आपको जिसका अच्छा लगता हो उसको देख सकते हैं, जो आपको लगता हो कि हाँ बेटर है मेरे एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि वहाँ देखिए दोस्तों, दो ही चीज़ें हैं, आप कितना भी पढ़ के जाइए, खूब आपने पढ़ाई करी, स्टडी करी, स्टडी करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर कोई मतलब नहीं सारी चीज़ों का। ठीक है, और वहाँ पे आपने केवल क्वेश्चन क्वेश्चन ही रट डाले। ठीक है, रटने के बाद आपके वही क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो वही है ना, टॉपिक तो वही है ना। हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, तो आप बुक तो पढ़ ही रहे हैं ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को कंफर्म करिए, और निगेटिव होने के बाद तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क होना होगा। ठीक है, चलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जितना मुझसे हो पड़ेगा, मैं सारी की चीज़ें कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी RO एग्ज़ाम से, और फिर उसके बाद में हम लोग UPSC मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे काफ़ी चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपके मोबाइल में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? और दोस्तों 95 क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे, आप लोगों को जल्दी लगता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो नहीं आता उसको आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? पहले का सही आंसर है बी, व्यापारिक मंडी थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गुप्त युग में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध थीं कहाँ पर? सेकंड का जो सही आंसर है ए, कौड़ियों में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे थे, वह क्या चीज़ थी? थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाल जलयान। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, तो वह कौन सा बंदरगाह है, इसको आपको बताना है। चौथे का सही आंसर है सी, ताम्रलिप्ति। पांचवा नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी कौन सी थी? पाँच का सही आंसर है डी, पैठन। छठवां नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में धन के लेन देन के व्यवस्थापक कौन थे? सिक्स का सही आंसर है डी, श्रेणियाँ। सातवां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी थे कहाँ के? सातवें का सही आंसर है बी, कुसुमपुर पटना के। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यात्री चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, तो कौन था? आठ का सही आंसर है वी, फायान। नवा नंबर क्वेश्चन, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में बना? नवे का सही आंसर है बी, गुप्त काल में। दसवां नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने रचना की थी किसकी, इसको आपको बताना है। दसवें का सही आंसर है ए, रोमन सिद्धांत की।
ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, तो वो कौन थे? 11 का सही आंसर है सी, आर्यभट्ट। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए, तो उसको आपको बताना है। 12 का सही आंसर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है, मतलब अलग है, ठीक है। 13 का सही आंसर है वी, विक्रम से, विक्रम संवत से। 14वां नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था क्या, क्या चीज़ आयात की जाती थी? तो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रेशमी कपड़े। चलिए आगे देखते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या थी, वह आपको बताना है। 15 का सही आंसर है बी, सामंतवाद का प्रारंभ। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा गुप्त वंशी शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, तो उसको आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में तो और खोज खोज के लाते हैं, बुक से पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आयोग वाले बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के होने चाहिए, ठीक है। 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। 17वां नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन थे? 17 का सही आंसर है बी, हरिषेण। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, उसको आपको बताना है। 18 का सही आंसर है डी, कादंबरी नहीं है, बाकी सब कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख मिलता है, तो ये आपको बताना है। 19 का सही आंसर है ए, एरण मध्य प्रदेश। 20वां नंबर क्वेश्चन, भुक्ति क्या थी, आपको बताना है। 20 का सही आंसर है ए, एक प्रशासनिक विभाग था। 21 नंबर क्वेश्चन, देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है किसका, 21 का सही आंसर है बी, गुप्त स्थापत्य का। 22वां नंबर क्वेश्चन, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था, इसको आपको बताना है। 22 का सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त। 23वां नंबर क्वेश्चन, विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी, इसको आपको बताना है। 23 का सही आंसर है बी, जिला। 24वां नंबर क्वेश्चन, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है कहाँ पर, चार ऑप्शन है। 24 का ए, बाघ की गुफाओं में। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ, विदेशी व्यापार क्या, कौन कौन से सही हैं गलत हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपको बताना है। 25 का सही आंसर है ए, हूणों का आक्रमण हुआ गुप्त काल में। 26 नंबर क्वेश्चन, भास्कर एक महान क्या थे, यह आपको बताना है। 26 का सही आंसर है ए, खगोल विशेषज्ञ थे। 27 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, क्या कहा गया है, इसको आपको बताना है, ठीक है। 27 का सही आंसर है डी, धर्म विजय कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 28 का सही आंसर है ए, मेहरौली का स्तंभ लेख में मिलता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था, तो 29 का सही ऑप्शन है ए, आर्यभट्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है किसमें, 30 का ऑप्शन है सी, अजंता में। 31 नंबर क्वेश्चन, तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन थे, 31 का सही आंसर है बी, शंकराचार्य। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन गुप्त शासक गायक और कवि था, तो इसको बताना है। 32 का सही आंसर है ए, समुद्रगुप्त। 33 नंबर क्वेश्चन, गुप्त कला कहाँ पाई जाती है, इसको आपको बताना है। 33 का सही आंसर है ए, उज्जैन में। 34 नंबर क्वेश्चन, फायान किसके काल में आया, तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम के, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, 35 का जो सही आंसर है ए, समुद्रगुप्त को। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है,
ठीक है। 36 का सही आंसर है ए, मृच्छकटिकम से। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, इसको आपको बताना है। 37 का सही आंसर है ए, तोरमाण के नेतृत्व में, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया, यह आपको बताना है। 38 का सही आंसर है डी, सारनाथ में। 39 नंबर क्वेश्चन, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य किससे है, 39 का सही आंसर है बी, मुख्य शिल्पी से है, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था, 40 का सही आंसर है डी, दिनार के नाम से। 41 नंबर क्वेश्चन, किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था, इसको आपको बताना है। 41 का सही आंसर है डी, स्कंदगुप्त के। 42 नंबर क्वेश्चन, कला में विष्णु का कौन से अवतार पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो कौन सा अवतार है। 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वराह का अधिकार, वो वराह का अवतार, ठीक है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, शक और गुप्त सम्मतों के बीच कितना अंतर है, ठीक है। 43 का सही आंसर है बी, 242 वर्ष का, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, वह श्रेणी जो कुमार गुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई किंतु वस्तु के व्यापार में संलग्न थी, तो वह कौन सी वस्तु थी, इसको आपको बताना है। 44 का सही आंसर है डी, पट्ट वस्त्र। 45 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके काल में प्रचलित हुए, 45 का आंसर है सी, गुप्त काल में। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था, ठीक है। 46 का सही आंसर है बी, ताम्रलिप्ति। 47 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी, यह आपको बताना है। 47 का सही आंसर है डी, विष्णु और शिव की। 48 नंबर क्वेश्चन, भूमि छिद्र न्याय क्या है, इसको आपको बताना है। 48 का सही आंसर है डी, भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार, भूमि छिद्र न्याय है। 49 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण क्या थे, ठीक है। तो 49 का सही आंसर है ए, जातियों की संख्या बढ़ जाना। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए, तो कहाँ नहीं बनाए गए, आपको देखिए चार ऑप्शन है। 50 का सही आंसर है ए, नालंदा बिहार में। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन मिलता है, तो 51 का सही आंसर है ए, रुद्रदामन के। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रशासन के प्रसंग में नागर सृष्टि और सातवाहन का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में मिलता है, 52 का सही आंसर है बी, पुण्ड्रवर्धन के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, 53 का सही आंसर है ए, कौशाम्बी से। 54 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के प्रयुक्त दीनार शब्द किससे निष्पन्न है, ठीक है, मतलब कहाँ से निकला है, अरबी, ग्रीक, फारसी, लैटिन, किससे। 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लैटिन से। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था, कौन होता था, इसको आपको बताना है। 55 का सही आंसर है सी, पुत्री। 56 नंबर क्वेश्चन, किसने चार अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ किया, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 56 का सही आंसर है बी, प्रवरसेन ने, प्रवरसेन प्रथम ने। 57 नंबर क्वेश्चन, कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है, तो किस श्रेणी का उल्लेख है, इसको आपको बताना है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी, तंतुवाय का। 58 नंबर क्वेश्चन, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस में। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, 59 का सही आंसर है ए, गंगाधर लेख में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, गुप्त नरेशों द्वारा भूमि
दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उस नाम को आपको बताना है। 60 का सही आंसर है ए, अग्रहार के रूप में। 61 नंबर क्वेश्चन, अक्षय नीवी क्या है? अक्षय नीवी क्या है? 61 का सही आंसर है ए, न्यासायिक। ठीक है, अगला देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? ठीक है, 62 का सही आंसर है कानपुर का मंदिर। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित थे? ठीक है, तो 63 का सही आंसर है बी, कुषाण और शक क्षत्रप के आधार के सिक्कों पर आधारित थे। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग भारत में भूमि माप के लिए होता था? तो चार आपके माप दिए हैं, आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा सही है। 64 का सही आंसर है डी, पहला दूसरा, सॉरी पहला नहीं है, पहला नहीं है, बाकी दूसरा तीसरा दूसरा और चौथा ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, महाक्षपटलिक निम्नांकित का प्रभारी अधिकारी था, तो किसका ये प्रभारी अधिकारी था? ठीक है, इसको आपको बताना है। 65 का सही आंसर है लेखा अधिकारी था ये। 66 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में पूरी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता था? ठीक है, चार शब्द दिए हैं, आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। 66 का सही ऑप्शन है डी, आपका कुटुम्बिन और आपका महत्तर प्रयोग होता था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? 67 का सही आंसर है ए, दक्षिण पूर्व एशिया। 68 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था, किस कर से तात्पर्य था, कौन सा कर था? भाग कर। 68 का सही आंसर है ए, भूमि कर कहलाता था। 69 नंबर क्वेश्चन, अपने वृत्तांत में फायान उल्लेख नहीं करता है, किसका? 69 का सही आंसर है बी, दंड न्याय की कठोरता का। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रह्मदेश शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। 70 का सही आंसर है सी, गुप्त पूर्व अभिलेखों में। 71 नंबर क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं किस राज्य में? 71 का सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में। 72 नंबर क्वेश्चन, किसने सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक की थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 72 का जो सही आंसर है डी, स्कंदगुप्त के। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, फायान की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन सा लगभग उजड़ी अवस्था में था? चार स्थानों के नाम हैं, कोड के माध्यम से सही है, इसको ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 73 का सही आंसर है बी, 3 और 4, कपिलवस्तु और कुशीनगर। ठीक है, उजड़ी अवस्था में थे। 74 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रम शब्द किस भाषा से निष्पन्न या निकला है? तो यह आपको बताना है, द्रम शब्द किस भाषा से निकला है। 74 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनानी। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है निम्नलिखित में से। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, देखिए। 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट के द्वारा बृहत संहिता नहीं लिखी गई, बाकी आपके सही हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेखी लकुलिश पशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन है, 76 का सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। 77 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसके कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में अंकित करती है? ठीक है, तो इसमें चार स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 77 का जो सही आंसर है सी, 3 और 4, आपके तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? 78 का सही आंसर है बी, प्राकृत भाषा।
79 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का सॉरी शून्य का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। ठीक है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं और इसमें आपको 80 और 81, ठीक है, तो इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता था, कारण क्या था? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, कारण ये बताया जा रहा है। ठीक है, कथन ऊपर था, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बी क्या होता है, कथन और कारण दोनों सही होते हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल से लेकर आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे। ठीक है, कारण क्या है, मूर्ति पूजा का विकास इस काल का प्रमुख चिन्ह था। ठीक है, तो अब देखिए इसके चार ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 81 का सही आंसर है ए, 81 का जो सही आंसर है ए। ठीक है, ए में होता क्या है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और जो आपका रीज़न है वो असर्शन की सही व्याख्या भी करता है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी भड़ौच, ये अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे ये आपको बताना है। 83 का सही आंसर है ए रूपक कहलाते थे। अभी आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप मिलाइए और दोनों को कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँगा, 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पांचवा। चलिए आगे देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, उस निगम को आपको बताना है। ठीक है, 85 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी मणिग्राम। अब आपका 86 नंबर क्वेश्चन आया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, 86 का सही आंसर है सी, ए का दूसरा, ये विशाखा दत्त ने नाटक लिखा। ठीक है, और बी का तीसरा, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से, और चरक किस संबंधित है, चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित हैं। अब ये कुछ ये आपके संवत हैं। ठीक है, और किस समय से गणना की जाती है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये संवत हैं और ये रहे इसके ऑप्शन, कूट रहे। 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला, जस्ट उल्टा। ठीक है, इसको मिलाइए, सुमेलित करिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में वाहलीकों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 88 का सही आंसर है बी मेहरौली स्तंभ लेख में। 89 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना, तो उसको आपको बताना है। 89 का सही आंसर है ए कन्नौज। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवत गुप्त संवत से अभिन्न है? ठीक है, 90 का सही आंसर है ए बल्लभी संवत। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 95 क्वेश्चन है टोटल गुप्त काल में। ठीक है, तो इनको आज हम लोगों ने लमसम देख ही लिया है। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे, तो किसके सिक्के भारी थे? 91 का सही आंसर है डी स्कंदगुप्त के, मिलावटी यही था सबसे अधिक। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? 92 का सही आंसर है बी भीतरी अभिलेख में। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में सातवाहन किसे कहा जाता था?
93 का सही आंसर है ए, व्यापारिक कारवां प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था, उसको आपको बताना है। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 95 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त पुत्र था किसका। 95 का सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। ठीक है, और दोस्तों ये गुप्त काल आज हम लोगों ने पूरा का पूरा सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटा सा ही फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फायदा पहुँचा सके। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।